सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो यहाँ पे यार मेरे पास फाइनली रियलमी बैंड आ गया है जो कि अभी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है और ये एक रिटेल यूनिट है। और अगर आपको नहीं पता है तो realme.com पे जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन सेल थी और फाइनली मैं इतना लकी हो गया कि यार मुझे ये ब्लैक वर्जन मिल गया, क्योंकि मुझे चाहिए था यार ग्रीन वाला या येलो, लेकिन दोनों में से कोई नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ब्लैक वाला मिला जो कि और डिलीवर भी हो गया आज ही के दिन। और यहाँ पे अभी मैंने इसको ओपन भी कर लिया, आपको दिखाता हूँ आज की वीडियो में किस तरीके का बैंड देखने को मिलता है, थोड़ी सी बॉक्सिंग वगैरह सब आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से नीचे रेड कलर का बटन दबा के कर लो, साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। ध्यान रखो यार, अभी की वीडियो में मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ना ही मी बैंड 3 से ना ही मी बैंड 4 से। आपको कोई अनबॉक्सिंग एक दिखा देता हूं कि रिटेल यूनिट किस तरीके से आ रहा है। और रिव्यू यूनिट में मैंने चेक करा यार, बहुत सारे वीडियो देखे तो मेन प्रॉब्लम अगर जो जेन्युइन लोग थे उन लोगों को यहां पे आया कि डिस्प्ले बहुत ही कम ब्राइटनेस उसमें देखने को मिलती है। यह क्या ओरिजिनल में सच्ची में ऐसा ही है, तो वो भी देखते हैं। अगर बॉक्स देखें तो इस तरीके सिंपल बॉक्स आता है, बैक साइड पे लार्ज डिस्प्ले, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, केबल फ्री वायर, ऐप नोटिफिकेशन और IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग ये देखने को मिलती है। वाटरप्रूफ मैंने इतना जोर क्यों दिया मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां पे सिंपल से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो इस तरीके से सिंपल यहां पे बॉक्स देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, और बॉक्स निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। और सिंपल सा यहां पे आपको एक बैंड देखने को मिल जाता है यहां पे, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और आई थिंक इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, यहां भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी एक आपको मैनुअल देखने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, Realme Band Quick Start Guide आपको मिलती है कि आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा Realme Link ऐप से, जिसका आपको प्ले स्टोर पर लिंक देखने को मिल जाएगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से बैंड रखा गया है और इसको बाहर निकाल लेते हैं। और एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है कि किस तरीके से है, और आपके लिए अनबॉक्सिंग यहाँ पर फिर से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ किस तरीके का देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर एक्सपीरियंस। यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ये बैंड देखने को मिल जाता है। और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए लग रहा है और बैंड की क्वालिटी ठीक ठाक सी लग रही है। अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा बैंड रिकमेंड करता हूँ, मी बैंड वाला बैंड स्टाइल या जो आपको ये रियलमी वाला देखने को मिलता है जो कि सिमिलर है ऑनर के जो बैंड आते हैं उसकी जैसा, तो मैं तो कहूँगा यार क्योंकि मुझे मी बैंड वाला ज़्यादा पसंद आता है। एक स्पेसिफिक रीज़न इसका वही है कि यार इसको जो लगाने में ना ये सिंपल सा बैंड जैसा लगता है कि यार हाथ में, जैसे फ्रेंडशिप बैंड भी पहले अपन लोग पहना करते थे, उस तरीके से सिंपल सा लगता है, अपने हाथ में पहन लिया और ये हो गया। और ये वाला यार थोड़ा वॉच का एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि नीचे स्ट्रैप इस तरीके से वॉच वाला देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा मुझे ये पसंद नहीं आता, इसकी जगह मैं वॉच ही यूज़ कर लूँ वो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे बात कर ले ओवरव्यू की, देख सकते हो आपको यहाँ पे ये निकलने वाला देखने को मिलता है, यानी आप इसको निकाल के चार्ज कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इसकी ये चीज़ देखने को मिलती है, डायरेक्ट आप इसको लगा के चार्जिंग में चार्ज कर पाओगे USB, आपको इसके लिए अलग से कोई भी मैकेनिज्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी चार्जर नहीं लेना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है मी बैंड 3 में, मी बैंड 4 में अगर लोगों का खो जाता है। जैसे ये देख सकते हो मी बैंड 3 है, इसका ये बहुत जल्दी खो जाता है और मी बैंड 4 का भी बहुत जल्दी खो जाता है, तो वो चीज़ दिक्कत रहती है। तो ये चीज़ आपके लिए ये अच्छा है कि इसको सिंपली आपको जो चार्जर आपको मिलता है उसके अंदर इसको सिंपली प्लग करना है और आपका चार्जिंग शुरू हो जाएगा। मतलब ये चार्जर ऐसे प्लग करा और ये चार्जिंग यहाँ पे आपकी होने लगेगी। मैजिक देख सकते हो, सी लुक एट द मैजिक, मतलब मैंने चार्जिंग में भी नहीं लगाया और चार्जिंग यहाँ पे शो कर रहा था कि आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। देखो एक बार और से दिखाता हूँ, अब होती है कि नहीं, नहीं अब नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पे इसने डिटेक्ट करा कि चार्जिंग हो रही है, तो ये देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसका बैंड इधर, इधर का वाला बैंड इधर लगा सकते हो और ये भी चीज़ आपके लिए हो जाती है। और आई थिंक यहाँ पे रिप्लेसेबल बैंड भी काफ़ी जल्दी अवेलेबल होंगे, रियलमी ने ऐसा कहा था, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, फुल स्क्रीन नहीं है और ये टच नहीं है। अगर बात करूँ मी बैंड 3 की तो ये देखो इस तरीके से टच भी होती थी और ये बटन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता था, और इसके अंदर आपको बटन ही सिर्फ देखने को मिलता है, आप उसको कहीं भी कहीं से तक टच नहीं कर सकते, आपको यही बटन से इसको प्रेस करके इधर उधर मूव करना होगा। और अगर आपको कोई चीज़ इन्फो देखनी है, यानी इसमें कितना चला है, तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी इन्फो दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर दोबारा टैप करोगे तो फिर ये दिखाएगा। थोड़ा सा हैजल हो जाता है इसमें यार यूज़ करना, और हर्ट रेट
आप देख सकते हो इस तरीके से मेजर कर रहा है, और हर्ट रेट मॉनिटरिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। 1500 रुपये का आपको ये देखने को मिलता है। और अगर मैं कहूँ तो मी बैंड 3 अब यहाँ पे 1600 रुपये का देखने को मिल रहा है mi.com पे, जो इसमें मैंने अभी चेक करा, तो काफ़ी अच्छा है, आपको कोई भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोड भी मिल जाते हैं, योगा, क्रिकेट, रनिंग मोड और भी कई अलग अलग मोड, जिसको आप ऐप से इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो Realme इन्फो वगैरह आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यहाँ से बस इतना ही कंट्रोल आप कर सकते हो, और मोर कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाना होगा अपने Realme के ऐप के ऊपर, जो कि Realme लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और सेटअप कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, डाउनलोड भी कर रखा है, थोड़ी देर मैंने सुबह ही आ गया था, इसको चेक भी करा है कैसा चल रहा है और कैसी नहीं चल रही है, तो आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये बैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। और एक चीज़ नोटिस करिए, अभी फ़िलहाल तो यार स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला है ये वर्जन है मी का, ये Realme बैंड का, तो आई थिंक थोड़ा सा तो ऐप में अभी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल ठीक ठाक ऐप यहाँ पे लग रहा है। आप इसको सिंपली देख सकते हो यहाँ पे कितनी परसेंटेज बैटरी है कनेक्टेड है, और सेटिंग में जाके आप यहाँ पे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक अच्छी भी चीज़ है कि आपको कलरफुल वॉच फेस मिलता है, जो कि मी बैंड 3 में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मिल जाता है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। और देखो इस हिसाब से सिंपली डायरेक्टली चेंज हो जाता है, और यहाँ पे वापस जाने के लिए बटन टैप करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से एकदम डार्क वाला है, कुछ दिखाई नहीं देगा, और अभी फ़िलहाल रात हो गई है, तो मैं दिन में आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा कि दिन के टाइम में दिखता है कि नहीं। फिलहाल तो यहाँ पे देखने को लाइटिंग में देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है, और ये फुल विजिबिलिटी में है, और इससे ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हार्श सनलाइट होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको दिखाई देगा। उसी के अलावा आप यहाँ पे इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन, अलार्म क्लॉक, मैसेज नोटिफिकेशन, ड्रिंक रिमाइंडर भी देख सकते हो। बात करें नोटिफिकेशन कितने अच्छे से आता है, तो एज़ कम्पेयर्ड यहाँ पे यार ब्लूटूथ 4.2 है, तो थोड़ा सा स्लो लगता है, क्योंकि मेरे पास मी बैंड 4 है, जिससे मैं इस दोनों को एक साथ पहना हुआ था, तो मी बैंड 4 में काफ़ी तेज़ी से नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आता है। अगर आपका कॉलिंग भी हो या मैसेजिंग भी हो तो थोड़ा सा टाइम इसके अंदर देखने के लिए लगता है। उसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा आपको ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा, तो सब चीज़ आप यहाँ पर ऐप से ही कर सकते हो, इसमें से आप कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते अपने बैंड में से। बैंड बस आपका एक बार देखने के लिए रहेगा, आप वेक करो, यहाँ पे टाइम देख लो, एक बार और टैप करो, आप यहाँ पे देख लो कि कितना स्टेप आप चले हो, मोस्टली बस इतना ही रहेगा। और हार्ट रेट एक बार मेजर कर लो एक और बटन दबा के, और नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है तो ठीक है, आप उसको देख सकते हो। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि आप यहाँ पे अगर दिन में देखोगे तो साइड्स में आपको यहाँ पे इसके जो चीज़ रहती है बेजल्स वगैरह, वो अलग से यहाँ पे दिखाई देते हैं, अलग से लाइट अप स्क्रीन हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइट ब्लीडिंग जो देखने को मिलती है बहुत सारे डिवाइसेस में, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इसके अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा लाइट आ जाती है तो ये चीज आपको क्लियरली नोटिस होगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेक करा था, ये चीज मुझे नोटिस हुई है। फिलहाल आपको अगर मैं यहां पे कोशिश करूं दिखाने की कि नोटिस होती है कि नहीं, तो फिलहाल तो अभी नोटिस नहीं होगी, क्योंकि यहां पे इंडोर लाइटिंग में है और इंडोर लाइटिंग के अंदर ये नहीं दिखाई दे रही है। अब देख सकते हो इधर साइड से थोड़ी बहुत दिखाई देगी, जो लाइन है वो एजेस आपको यहां पर दिखाई देगी कि स्क्रीन ये अलग से आपको इतनी सी लगी हुई है, मतलब इतनी छोटी सी स्क्रीन अलग से है, ऊपर आपको ये ब्लैक देखने को मिलेगा। ये दिन के टाइम में आराम से इजिली विजिबल है, अभी इंडोर लाइटिंग में ये विजिबल नहीं है, तो ये चीज मैं आपको अभी क्लियरली बता दे रहा हूं। उसके अलावा ये चीज आपको सिंपल देखने को मिलती है। फिलहाल जो भी मैंने 3 से 4 घंटा इसको यूज करा है, उसमें मैं कहूंगा कि यार स्टेप्स ठीक ठाक आपको और एक्यूरेट देखने को मिल जाते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है। यहाँ पे बस आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, क्योंकि ब्राइटनेस इतनी ही है फिलहाल आप देख सकते हो, और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी भी। और अगर आप अभी कंपेयर करो ये ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले से,
तो आप देख सकते हो दोनों में ठीक ठाक ही ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। अब कलर्ड है इसलिए अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे रियलमी बैंड में अच्छी है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखो अभी भी ध्यान से तो ब्राइटनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पे मी बैंड 3 में, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और एमोलेड डिस्प्ले के अंदर आपको ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छे से देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो उसकी ब्राइटनेस वगैरह को। और ये भी चीज़ एक अच्छी है कि मी बैंड 3 में आपको ये देखने को मिलता है, सब चीज़ सेम देखने को मिल जाती है दोनों में, बस फर्क इतना है कि इसमें कलर डिस्प्ले नहीं है, इसमें कलर डिस्प्ले है और ये टच स्क्रीन से पूरी काम करती है। और ये यार इवन बैंड लगती है, ये वॉच का फील देती है, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑनर बैंड 4 जो है मेरे पास उसको आज तक यूज़ नहीं करा, ऐसे ही रखा हुआ है और ये चीज़ एक आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इसके फुल रिव्यू में और वर्सेस वाले में किसके साथ देखना चाहोगे। मी बैंड 4 के साथ बिल्कुल भी मत कंपेयर करो क्योंकि यार प्राइस रेंज अलग है, ये 800 रुपये महंगा है और ये वर्थित है। अगर मैं अभी भी आप मुझसे पूछोगे कि हमको कौन सा बैंड लेना है और अगर आपके पास 2300-2400 रुपये हैं तो मैं कहूँगा आग बंद करके मी बैंड 4 ले लो, ठीक है। अगर आपके पास 1500 रुपए ही हैं, 1500-1600 रुपए ही हैं तो आप एक बार को मी बैंड 3 को कंसिडर कर सकते हो। वैसे आप वेट कर लो मेरे यहां पे फुल रिव्यू का, जिसमें मैं आपको एक मी बैंड 3 वर्सेस रियल मी बैंड का भी बताऊंगा। फिलहाल तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और रियल मी बैंड का पहला वर्जन है तो आई थिंक उसके हिसाब से ठीक ठाक है। फिलहाल इसको मैं टेस्ट करता हूं और डे लाइट में एक्सटेंसिवली कि ताकि आपको पता चल जाए कि कितना अच्छा यहां पे और देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप यहां पे मैं बताना भूल गया, इसका बैटरी बैकअप आपको 6 से 7 दिन का ही देखने को मिलेगा और इसका 20 दिन का देखने को मिलता है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पे आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो कि मैं वाटरप्रूफ के बारे में बता रहा था, IP68 है इसके अंदर, इसका मतलब IP68 का यार आप स्प्लैशेस प्रूफ रहता है, ये फुल वाटरप्रूफ नहीं है। स्विमिंग के टाइम पे अगर आप ज़्यादा डीप गए स्विमिंग में भी ये ख़राब हो सकता है। और एज़ कम्पेयर टू ये मी बैंड 3 या मी बैंड 4, 50 मीटर तक वाटर में आप इसको रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आ भी सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक रेटिंग का भी फ़र्क यहाँ पे देखने को मिलता है। सब चीज़ क्लियर करूँगा आपके आने वाले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ईजिली इसको पहन सकता हूँ और टेस्ट करते हैं कुछ दिन कि कितना अच्छा यहाँ पे ये रहता है। यही दिक्कत आती है यार ये वॉच वाला स्टाइल ना, चल भाई लग जा, अब ये भी लगाओ तो ये पूरी वॉच हो जाती है, इसीलिए नहीं। और येलो येलो डर्टी फेलो, टेक केयर, बाय बाय।